दुआ का फलसफा समझे और दुआ का मकसद समझे। मुझे रिसेंटली किसी ने कहा कि मैंने बड़ी दुआ की किसी से शादी नहीं हो रही तो मेरी दुआएं नहीं कबूल होती। तो मैंने कहा ये दुआ की वजह से अल्लाह को पा लिया आपने, रिलेशन बन गया अल्लाह से, यानी रोजाना करती है ना आप दुआ, तो ये तो बन गया। तो मैंने कहा बस दुआ कबूल हो गई। क्या दुआ कबूल होना ये कि रिश्ता हो जाएगा? सलफ तो यही कोशिश करते थे, मैंने इब्ने तैमिया कोट पढ़ा, सलफ कहते थे हमारी दुआएं ना कबूल। बहुत अजीब फलसफा जान के क्यों लुत्फ आ गया था दुआ करने, यार चीज मिल जाएगी तो कैसे फिर दुआ रुक जाएगी।